तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। इट इज रियली इम्पोर्टेंट टू लूजन योर ज्वाइंट्स, लूजन योर मसल्स, सो दैट सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद आपकी बॉडी अच्छी खासी वार्म अप हो जाए और किसी भी तरीके की इंजरी आपको ना हो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, और आगे भी आपके ज्वाइंट्स इसी तरीके से स्ट्रेंथन रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपनी गर्दन को एक्टिवेट करने के लिए। तो सबसे पहले इनहेल करेंगे ऊपर की तरफ, धीरे 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 देखेंगे, और एक्सहेल करते हुए धीरे 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 अपनी गर्दन को डाउन, आपका चिन टुवर्ड्स कोलर बोन। बहुत आराम आराम से, गर्दन आपकी ही है, इस तरीके से आप मूव करें कि झटका नहीं देना है, जर्क नहीं देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। योग का मतलब ही है स्लो डाउन हो जाना। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। इसी तरीके से साइड बाय साइड भी कर लेते हैं, राइट एंड लेफ्ट। गहरी लंबी सांस लेंगे सेंटर, एक्सहेल लुक टुवर्ड्स योर राइट, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लुक टुवर्ड्स योर राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट, इनहेल सेंटर। वेरी गुड। अब इसको हम हाफ रोटेशन करते हैं। कैसे? गहरी लंबी सांस ली और आपकी चिन को कोलर बोन की तरफ डाउन कर दीजिए, एंड जस्ट वन and down, two and down, three and down। अब इसको पूरा का पूरा एक सर्कल बनाते हैं, क्लॉकवाइज पहले करेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। तो आपका चिन को कोलर बोन की तरफ टक कीजिए, इनहेल अप 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 अप, एक्सहेल डाउन। बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम आराम से, किसी भी तरीके का जर्क नहीं देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये जॉइंट्स हैं, इनको बहुत आराम आराम से हमें एक्टिवेट करना है। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। इसी तरीके से जस्ट इसका ऑपोजिट, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। लास्ट राउंड, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। तो हमारी गर्दन नेक मसल्स आर एक्टिवेटेड, जॉइंट्स भी हैं जो भी एक्टिवेट हो गए हैं। चलिए एक्टिवेट कर लेते हैं अपनी शोल्डर की मसल्स को। सबसे पहले दोनों हाथों को सामने की तरफ रखिए और इनको आराम से अपने कंधे के ऊपर रख दीजिए, दोनों एल्बोज को सामने की तरफ। गहरी लंबी सांस लीजिए, एल्बोज ऊपर पीछे जितना ले जा सकते हैं ले जाएं, और बड़ा सर्कल बनाते हुए एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। ये सारी जब भी आप मूवमेंट करते हैं तो आपकी नेक और जो कंधे में कभी कभी दर्द हो जाता है वो दर्द नहीं होगा, इनमें अकड़न जकड़न नहीं होगी, और कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या आपको नहीं होने वाली है। ओके, तो क्लॉकवाइज हो गया, इसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट, वन टू थ्री, इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए ऊपर एंड एक्सहेल करते हुए डाउन, लास्ट इनहेल करते हुए अप 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 एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। सो शोल्डर्स आर एक्टिवेटेड। नाउ एक बढ़िया सा स्ट्रेच दे देते हैं अपनी शोल्डर्स की मसल्स को। तो सबसे पहले दोनों हाथों को अपने ऊपर, हाथ सर के ऊपर रखें, इस तरीके से गहरी लंबी सांस लें और हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, अप 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 अप, सांसों को होल्ड करें जितना होल्ड कर सकते हैं, एक्सहेल डाउन। इसी तरीके से साइड बाय साइड भी जरा स्ट्रेच कर लेते हैं। दाहिने हाथ को, दाहिने हाथ का जो एल्बो है उसको जमीन पे रखें, मैट पे रखें, इनहेल करें और अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ खींचे, एंड स्ट्रेच, फील द स्ट्रेच ऑन योर लेफ्ट साइड एंड लुक अप अप अप
अपने लेफ्ट जो एल्बो है उनको आप मैट पे रखें और राइट हैंड अप 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 एंड थोड़ा सा बेंड करें एंड लुक टुवर्ड्स सीलिंग एंड बैक। चलिए स्पाइन को जरा एक्टिवेट कर लेते हैं। पैरों को रिलीज करना चाहें अगर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, किसी भी वक्त आप पैरों को रिलीज कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। चलिए स्पाइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। आराम से किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखें, गहरी लंबी सांस लें, ओपन योर स्पाइन, ओपन योर चेस्ट एंड एक्सहेल। कर्व बनाएं स्पाइन का इस तरीके से। इनहेल, ओपन योर चेस्ट, एक्सहेल, कर्व बनाएं, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, लुक टुवर्ड्स योर नेवल एंड रिलैक्स, रिलैक्स। जरा ट्विस्ट कर लेते हैं। आराम से सुखासन में बैठ जाएं और अपने बाएं हाथ को दाएं ऊपर तरीके से रखें और दाएं हाथ को अपनी बॉडी के जस्ट पीछे रखें, पीछे की तरफ देखें जितना देख सकते हैं, एक गहरा लंबा ट्विस्ट दें, 1 2 3 4 5 एंड दूसरी तरफ भी 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी गर्दन, हमारी शोल्डर्स, हमारी स्पाइन एक्टिवेट हो चुकी है। चलिए जरा एक्टिवेट कर लेते हैं अपने पैरों कल को भी। आराम से मैट पे बैठ जाएं, दोनों पैरों को सामने की तरफ रखें दंडासन में। अब अपनी पैर की जो उंगलियां हैं उनको स्क्वीज करें इस तरीके से एंड बैक। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब अपनी एंकल्स को जरा मूव करना शुरू करते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि ये जो मोबिलिटी अगर नहीं रहती है आपके जॉइंट्स में तो काफी ज्यादा परेशानी होती है और आगे चलकर आर्थराइटिस की भी समस्या हो जाती है। क्लॉक वाइज कर लेते हैं, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल एक्सहेल, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। ये हमेशा चलेगा जब भी आप क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन करते हैं, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। टैप करें अपने दोनों पैरों को और टेंशन रिलीज करें, टैप करें पैरों को और टेंशन रिलीज करें, गुड। अब अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और आपके दाहिने पैर का जो पंजा है उसको अपनी बाई पैर की जो थाइज है उसके ऊपर इस तरीके से रख दें और जरा सा अपने पैर को प्रेशर देते हुए, दाहिने पैर को प्रेशर देते हुए इस तरीके से डाउन साइड प्रेस करें, 1 2 3। हम सारे जॉइंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि हम आगे की प्रैक्टिसेस आराम से कर पाए। इसी तरीके से दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने दाहिने पैर का जो थाइज है उसको अपनी चेस्ट पे लगा दें, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। इसी तरीके से दूसरे पैर के साथ भी बाएं पैर को आपने घुटनों से मोड़ा और उसको दाहिने पैर की थाइज के ऊपर इस तरीके से रख के जस्ट प्रेस इट डाउन, प्रेस इट डाउन, प्रेस इट डाउन, प्रेस इट डाउन एंड कीप योर लेफ्ट लेग मोर क्लोज टू चेस्ट, बी देयर, बी देयर, बी देयर एंड रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपने दाहिने पैर को आपके राइट लेग को नी से इस तरीके से बेंड कर दें और दोनों हाथों को अपने शरीर के जस्ट पीछे रखें, स्पाइन सीधी रखें एंड जस्ट स्टार्ट किकिंग, 1 2 3 इस तरीके से किक करें एंड एक्टिवेट योर हिप जॉइंट्स। आपके काफी अच्छी तरीके से मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो रही है पैर में एंड रिलैक्स। इसी तरीके से 5 राउंड्स, 1 दूसरे पैर से भी, 2 पीछे की तरफ किक कर रहे हैं, 3 4 एंड 5 रिलैक्स। टैप द नाइसली, टैप योर लेग्स नाइसली एंड रिलीज द टेंशन, वेरी गुड। सारा का सारा जो जॉइंट्स है दैट इज एक्टिवेटेड नाउ। ओके, अब दोनों पैरों के जो पंजे हैं उनको एक साथ, सोल ऑफ योर फीट स्टार्ट टुगेदर लाइक दिस एंड कीप देम मोर क्लोज टू योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
ठीक है, जितना पैर करीब रख सकते हैं। एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग कि आपके पैर डाउन साइड आ रहे हैं तो जहां तक भी आप रख सकते हैं वहां तक रखें एंड रिलैक्स बी इन दिस पोजीशन। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम मैजिक। दोनों हाथों को जस्ट अपने शरीर के पीछे लेके जाएं इस तरीके से। ओपन योर स्पाइन एंड योर लेग्स आर कमिंग डाउन। फील द मैजिक योरसेल्फ। जब ये पैर इस तरीके से डाउन आ जाए, हो सकता है शुरू शुरू में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो कि पैर डाउन साइड टच करे, तो आप पैरों के नीचे तकिया भी रख सकते हैं। स्टार्ट प्रेसिंग देम डाउन। 1, 2, 3। बहुत जेंटल रहना है अपनी बॉडी के साथ, किसी भी तरीके की हार्शनेस नहीं रखनी है। और आराम आराम से हम प्रैक्टिस करेंगे, आराम आराम से हर एक आसन का प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। चलिए इस तरीके से जैसे बुक को क्लोज करते हैं उस तरीके से दोनों पैरों को क्लोज कीजिए। एंड इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। जितना भी आप कर सकते हैं, इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। इनहेल योर बुक इज ओपन, एक्सहेल योर बुक इज क्लोज। 1, 2, 1 and 2 एंड रिलैक्स। इसी पोजिशन में रहें। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, लेंथन करें अपनी स्पाइन को, लेंथन करें, ऊपर की तरफ खींचे, ऊपर की तरफ देखें और धीरे 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 अपने हाथ को फर्श पे रख दें, मैट पे रख दें और वॉक करें। जितना डाउन जा सकते हैं उतना डाउन जाएं और वहां पे रिलैक्स करें। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हर एक इंसान की बॉडी अलग अलग होती है, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी अलग अलग है। तो जहां पर भी आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं वहां पे आप रुक जाएं एंड रिलैक्स करें। इफ यू वांट यू कैन प्लेस बोथ हैंड्स, आप फिस्ट बनाएं इस तरीके से राइट एंड लेफ्ट, और इस तरीके से अपने सर के ऊपर अपने माथे को रख सकते हैं। एंड इफ दिस इज नॉट कंफर्टेबल फॉर यू, जहां पर भी आपकी बॉडी आपको अलाउ करे वहां पे कंफर्टेबली आप अपने शरीर को थोड़ा होल्ड करें एंड फील दिस स्ट्रेच ऑन योर इनर थाइस। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आसन, बद्ध कोणासन, फॉर ऑल पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज और जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। किडनी की हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है और आपके इंटरनल जो इनर थाइज है उनको भी बहुत बढ़िया मसाज देता है। ओके, सो वी आर डन विद बद्ध कोणासन। गिव अ नाइस हग टू बोथ ऑफ योर लेग। दोनों पैरों को अच्छी तरीके से हग करें, हग करें एंड रिलीज द टेंशन। ओके, अब दोनों पैरों को आप सामने की तरफ इस तरीके से रखें, दोनों पैरों के पंजों को, और आपके दोनों घुटनों के बीच में आपके शोल्डर लेंथ जितना फासला रखें। दोनों हाथों को अपनी बॉडी के पीछे रख लें सो दैट कि अच्छी खासी एक आपको बैलेंस मिल जाए। गहरी लंबी सांस लें एंड ड्रॉप योर राइट नी टुवर्ड्स लेफ्ट एंकल। इनहेल एंड एक्सहेल, लुक ऑपोजिट। 1, देखिए कितना बढ़िया ट्विस्ट मिल रहा है आपके स्पाइन को और आपका इंटरनल ऑर्गन्स को भी बहुत अच्छा मसाज मिल रहा है। आपकी किडनी, आपका इंटेस्टाइन, आपका पैंक्रियास, आपकी स्प्लीन सभी एक्टिवेट हो रहे हैं। एंड लास्ट राउंड, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब दोनों पैरों को खोलते हुए यानी 1 फुट का डिस्टेंस रखें दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा, ज्यादा नहीं, जस्ट शोल्डर लेवल डिस्टेंस रख लें इस तरीके से। चक्की चालनासन करेंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ रख लिया, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें एक दूसरे के साथ और हाथ सीधे रहेंगे। यू आर नॉट बेंडिंग योर हैंड्स फ्रॉम योर एल्बोज, योर हैंड्स आर स्ट्रेट। इनहेल एंड एज यू एक्सहेल कम फॉरवर्ड एंड बैक, कम फॉरवर्ड एंड बैक, एक्सहेल इनहेल। रिमेंबर जब पुराने जमाने में घर पे आटा इसी तरीके से माताएं बहने बनाती थी, आज तो आराम से आपको चक्की में आटा मिल जाता है या किसी भी स्टोर पे आटा मिल जाता है, बट पहले ये सारी मेहनत करने के कारण ही हमारी माताएं बहने इतनी ज्यादा स्वस्थ रहती थी। कभी पीसीओडी पीसीओएस की समस्या, पीरियड्स की समस्या कभी आई नहीं, कभी बैक पेन की समस्या आई नहीं। एंड रिलैक्स, इसको जस्ट ऑपोजिट। Yeah,
आई नहीं एंड रिलैक्स इसको जस्ट ऑपोजिट वन टू थ्री एंड फोर एंड फाइव जस्ट रिलैक्स. आप दोनों पैरों को जितना आप फैला सकते हैं अपने हिसाब से, जितना डिस्टेंस रख सकते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उतना डिस्टेंस रखें. दोनों हाथों का टी बनाएं, गहरी लंबी सांस लें. एक्सहेल करते हुए दाहिने हाथ से बाएं पैर के जो बिग टोस उसको टच करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड समस्या है, डाइजेशन अच्छा नहीं है आपका, खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी. इस तरीके से ये करने के बाद आराम से अपने पैरों को हग करें एंड टेंशन को रिलीज करें. रिलीज करें टेंशन को, रिलीज करें एंड नाउ आराम से लाई डाउन ऑन योर मैट. आराम से लेट जाएं मैट पे. अब हम करेंगे लेग रेसेस. लेग रेसेस में आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपके कमर में दर्द है तो आप दोनों हाथों को इस तरीके से अपने शरीर के अंदर टक कर लेंगे. अगर कमर में दर्द नहीं है तो दोनों हाथों को अपने शरीर के पास रखेंगे इस तरीके से. अगर आपको लग रहा है कि बहुत प्रेशर पड़ रहा है बेली पे और अपना पैर नहीं उठा पा रहे हैं आप, तो भी आप दोनों हाथों को कमर के नीचे रख सकते हैं. और अगर दोनों हाथों को साइड में रखते हैं तो बेली में ज्यादा प्रेशर आएगा और ये बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा आसन है. इनहेल सिंगल लेग रेसेस, लिफ्ट योर राइट लेग अप 90 डिग्री, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे 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 डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन. राइट लेग इज डन. अभी हम सेम मूवमेंट करेंगे अपने लेफ्ट लेग से भी. इनहेल लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप 90 डिग्री एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल. बहुत धीरे धीरे ऊपर ले जाना है, किसी भी तरीके का जर्क नहीं देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी. आपका मूवमेंट जितना ज्यादा स्लो रहेगा पेट पे उतना ही ज्यादा प्रेशर आएगा. एक्सहेल डाउन. तो दीज वर सिंगल लेग रेसेस. नाउ विल डू द सेम प्रैक्टिस विद बोथ द लेग्स. बोथ द लेग्स टुगेदर. इनहेल बोथ द लेग्स अप, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे विद फुल कंट्रोल. आपके पेट को एंगेज करके रखना है. पेट को एंगेज करके रखने का मतलब ये हुआ कि आपके पेट को कड़ा करके रखना है. जितना भी जो भी प्रेशर आएगा वो आपकी बेली से आएगा. पेट को कड़ा करके रखेंगे, पेट की मसल्स को कड़ा करके रखेंगे, इंगेज करके रखेंगे. वन एंड डाउन, टू एंड डाउन, थ्री एंड डाउन, फोर एंड डाउन, फाइव एंड डाउन, रिलैक्स. दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथों के बीच में फासला. रिलैक्स करें, रिलैक्स करें, रिलैक्स करें, रिलैक्स करें. अब दोनों पैरों को एक साथ लेके आए. जरा एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे अपने दाहिने पैर से और बाएं पैर से दोनों तरफ से. इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल. इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज. इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, थ्री फोर एंड फाइव. बेली फैट को कम करने के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है ये सारे मूवमेंट्स. चलिए दूसरे पैर से भी. इनहेल क्लॉकवाइज, वन टू थ्री, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन. इसी को जस्ट एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट. वन टू थ्री फोर एंड इनहेल अप,
एक्सहेल डाउन, आपकी मूवमेंट को अपनी जो बॉडी की मूवमेंट है आपकी ब्रेथ से सिंक्रोनाइज होनी चाहिए. ओके रिलैक्स दोनों पैरों को के बीच में फासला, दोनों हाथों के बीच में फासला एंड जस्ट रिलैक्स 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 रिलैक्स. चलिए कर लेते हैं पवन मुक्तासन, लेकिन उसके पहले अपनी बॉडी को पूरे शरीर को बढ़िया वाला स्ट्रेच देते हैं. दोनों हाथों को एक साथ लाएं, इंटरलॉक करें, थोड़ा मैं नीचे हो जाती हूँ वरना दिखेगा नहीं, इंटरलॉक करें और फील द स्ट्रेच. सपोज कीजिए आपके हाथों को कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है, पैर को नीचे की तरफ, स्ट्रेच 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 एंड बैक बैक आराम से. अब अपने दाहिने पैर को घुटनों से मोड़े इस तरीके से, दाहिने पैर को घुटनों से आपने मोड़ लिया, दोनों हाथों से अपने दाहिने पैर को पकड़ लिया, दोनों हाथों की उंगलियों को एक साथ फंसा लीजिए इस तरीके से. गहरी लंबी सांस लीजिए, एक्सहेल करते हुए आपका चिन या तो आपका नाक या फोरहेड आप अपने दाहिने पैर के घुटने के साथ टच कर दीजिए इस तरीके से. एंड इनहेल करते हुए पीछे, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल. होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 एंड बैक. इसी तरीके से दूसरे पैर को भी, लेफ्ट लेग को बेंड किया नी से, इनहेल एंड एक्सहेल. यू कैन टच योर चिन और नोज और फोरहेड एनीवेयर एंड बी देयर 1 2 3 4 5 एंड इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल. जिनके लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट से रिलेटेड समस्याएं, वो जरूर करें. एंड बैक. कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है तो पवन मुक्तासन जरूर कर लिया करें. आप दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े, आप अपनी थाइस को छाती की तरफ लेके आए, दोनों हाथ से इंटरलॉक करें, विंड रिलीविंग पोज और पवन मुक्तासन. पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही है, इनडाइजेशन की समस्या है, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये आसन. ओके इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए या तो आप अपनी चिन या नोज या फोरहेड आप अपने घुटनों से टच करें. इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल. अब लास्ट राउंड जरा होल्ड कर लेते हैं, एक्सहेल और आपका चिन या आपकी नाक या फोरहेड एंड बैक. अब इसी स्थिति में रहते हुए रॉकिंग रोलिंग करते हैं, झूलना और लुढ़कना. इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल. अब इसी को साइड बाय साइड भी कर लेते हैं, 1 2 इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल. काफी मजेदार है ये झूलना और लुढ़कना, आपकी स्पाइन को भी बहुत राहत देता है, साथ के साथ आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी मसाज देता है, आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ को इंश्योर करता है. एंड रिलैक्स, दोनों हाथों के बीच में फासला, दोनों पैरों के बीच में फासला, शवासन में आराम करें, शवासन में आराम करें. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. चलिए बॉडी को एक बहुत बढ़िया स्ट्रेच दे देते हैं. फील कीजिए कि आपके हाथों को कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है, पैरों को नीचे की तरफ, स्ट्रेच 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 एंड डाउन. टर्न टुवर्ड्स योर राइट और लेफ्ट एनी साइड और हाथ को सपोर्ट देते हुए, हाथ से अपनी बॉडी को सपोर्ट देते हुए आराम से मैट पे बैठ जाए, किसी भी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी तरीके से. चलिए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ, दंडासन में बैठ जाएं, दोनों पैरों को सामने की तरफ इस तरीके से फैला लें और हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आसन आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी हैमस्ट्रिंग्स को एक्टिवेट करने के लिए, आपकी जो लोअर बैक है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत बढ़िया आसन है. इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं,
spleen, intestine, small intestine, large intestine, इनकी सबकी health को ensure करता है और आपकी बहुत बढ़िया flexibility भी develop करता है। गहरी लंबी सांस लें, दोनों हाथों को ऊपर किया, अपनी स्पाइन को लेंथन करें, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाएं और एक्सहेल करते हुए अपनी लोअर बैक से धीरे 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 नीचे की तरफ आएंगे और आपकी जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी है जहां तक भी आप जा सकते हैं जाएं, दोनों हाथ की उंगलियों से इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से अपने पैर के जो बिग टोज है, बड़े अंगूठे हैं, उनको पकड़ लें एंड जस्ट बी देयर। हो सकता है बहुत से लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, अगर आप यहां तक आ सकते हैं यहां होल्ड करें, यहां तक आ सकते हैं यहां होल्ड करें, यहां तक होल्ड कर सकते हैं यहां होल्ड करें, जहां भी होल्ड कर सकते हैं यहां पे आप आराम से होल्ड करें। फ्लेक्सिबिलिटी एक दिन में नहीं आती, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है हर दिन, और आपने इस कोर्स में रजिस्टर किया तो डेफिनेटली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी क्योंकि हम अभ्यास करेंगे हर दिन। इनहेल अप एंड रिलैक्स। अब चलिए कर लेते हैं जरा ट्विस्टिंग, जस्ट हम अभी सामने की तरफ झुके थे, जस्ट इसका काउंटर पोज कर लेते हैं, दैट इज वक्रासन। तो दाहिने पैर को घुटनों से मोड़े इस तरीके से और अपने दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने के पास इस तरीके से रखें। अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को आप अपनी बॉडी से जस्ट पीछे इस तरीके से रख लें। गहरी लंबी सांस लें, अपने बाएं हाथ को यानी लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ खींचे, स्पाइन को लेंथन करें एंड एज यू एक्सहेल, इनहेल किया ऊपर की तरफ हाथ किया, एज यू एक्सहेल आप अपने हाथ को, अपने बाएं हाथ को लेफ्ट हैंड को रैप करते हुए या तो आप अपनी एंकल्स को पकड़ लें और अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो जस्ट बी हियर एंड लुक बैक। वक्रासन, वन ऑफ द बेस्ट आसन टू हैव दैट स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी, शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी, और जब आप ट्विस्ट करते हैं तो इंटरनल ऑर्गन्स आर ऑल्सो गेटिंग गुड मसाज। एंड एज यू इनहेल रिलैक्स, एक्सहेल आप अपने दाहिने पैर को इसी तरीके से रिलीज कर दें। अब बाएं पैर को भी इसी तरीके से अपने घुटने से मोड़ेंगे और बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड को जस्ट बॉडी से पीछे रखेंगे, ऊपर करेंगे अपने दाहिने हाथ को और एक ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से एंड जस्ट यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। जरा साइड चेंज करके आपको दिखाती हूँ, आराम से इस तरीके से आराम से बैठ गए, बाएं पैर को घुटने से मोड़ा, अपने जो दाहिना बायां हाथ है उसको बॉडी से पीछे रखा, गहरी लंबी सांस ली और अपने स्पाइन को लेंथन किया, सांस छोड़ी, एक्सहेल किया एंड जस्ट गिव अ नाइस स्टेप ट्विस्ट टू योर बॉडी एंड लुक बैक। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल टचिंग योर एंकल्स, यू कैन जस्ट रिलीज योर हैंड एंड बी हियर। बहुत सिंपल है सारे आसन, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, आपको जस्ट मॉडिफिकेशन देखना है कि अगर आप ज्यादा सामने नहीं झुक सकते तो आपको अपनी कंफर्ट के हिसाब से जहां भी होल्ड कर सकते हैं वहां पे होल्ड करें, ठीक है। अब ये सारे आसन करने के बाद कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए लेट जाएं मैट पे और शवासन में आराम करें। दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथों के बीच में फासला एंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपने जो जो भी मूवमेंट्स करी हैं, जो जो भी आपने आसन किया है उसके जो इफेक्ट है उसको पूरी बॉडी पार्ट्स में महसूस कीजिए। हमने अपनी नेक को एक्टिवेट किया, फिर शोल्डर को एक्टिवेट किया, फिर स्पाइन को एक्टिवेट किया, फिर हमने काफी अच्छी तरीके से अपने लेग की मसल्स को एक्टिवेट की, फिर हमने किए लेग रेसेस जिससे हमारी बेली फैट रिड्यूस करने में और हमारी कोर की जो मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करने में हेल्प मिली। फिर हमने काफी सारे दूसरे मूवमेंट्स करने के बाद पश्चिमोत्तानासन, वक्रासन किया एंड फाइनली वी आर रिलैक्सिंग अवर बॉडी इन शवासन। रिलैक्स रिलैक्स। नाउ गिव अ नाइस स्ट्रेच टू योर बॉडी एंड टर्न टुवर्ड्स योर राइट और लेफ्ट एनी साइड हाथ के सपोर्ट से और आराम से बैठ जाएं। चलिए योगासन के अभ्यास के बाद कर लेते हैं प्राणायाम का अभ्यास, और इस पूरे के पूरे कोर्स के दौरान आपको कई तरीके के अलग अलग प्राणायाम सिखाए जाएंगे। आज हम सिंपल सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे और फिर उसके बाद अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे। सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग यानी
चंद्र अनुलोम विलोम एंड सूर्य अनुलोम विलोम और अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओके, तो सबसे पहले आपका जो बायां हाथ होगा दैट वुड बी इन चिन मुद्रा और इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं, इसको अपने घुटनों के ऊपर रख लें। और जो आपका दाहिना हाथ है दैट वुड बी इन विष्णु मुद्रा या इसको नाशिका मुद्रा भी कहते हैं, इस तरीके से करके। अब अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने दाहिनी नॉस्ट्रल को यानी राइट नॉस्ट्रल को क्लोज कीजिए विद द हेल्प ऑफ योर राइट थंब और पूरे अभ्यास के दौरान आपकी आंखें बंद रहेंगी और आपका फोकस होगा दैट वुड बी हियर बिटवीन बोथ द आईब्रोज। ओके, इनहेल थ्रू योर लेफ्ट एंड एक्सहेल थ्रू योर लेफ्ट, सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीथिंग 9 राउंड्स। Inhale and exhale 1। कोई काउंटिंग नहीं करेंगे, जस्ट कीप इट सिंपल। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही सांस छोड़ना है। इनहेल एंड एक्सहेल 3 मोर राउंड्स। पूरे अभ्यास के दौरान अपनी कमर गर्दन सीधी रखिए और ध्यान आपका दोनों भावों के बीच में और आप अलर्ट रहिए जब आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं उसको महसूस करना है। इनहेल लास्ट राउंड एंड एक्सहेल। अब हम करेंगे राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या कि अपने दोनों आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए और राइट नॉस्ट्रल को खोल लीजिए। इनहेल थ्रू योर राइट एंड एक्सहेल थ्रू योर राइट, इनहेल थ्रू योर राइट, एक्सहेल थ्रू योर राइट, इनहेल, एक्सपैंड योर चेस्ट, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल थ्रू योर राइट एंड एक्सहेल थ्रू योर राइट ओनली। 3 मोर राउंड्स। इनहेल एंड एक्सहेल, कंटिन्यू। धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे आप सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं आपका मन शांत हो रहा है। ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को रिलीज करने में बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है। लास्ट राउंड, इनहेल एंड एक्सहेल। अपने दाहिने हाथ को घुटने के ऊपर रख दें एंड रिलैक्स, हाथ में हुई टेंशन को रिलैक्स करें और अपने पैरों को भी रिलीज करें। दंडासन में बैठ के जरा पैरों को टैप करें सो दैट टेंशन जो भी हुई है वो रिलीज हो जाए और हम बनेंगे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अभी हमने की सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, अब हम करेंगे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। और अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी उम्र का इंसान कर सकता है और किसी भी वक्त आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो जिस भी सिटिंग पोजीशन में बैठने में आप कंफर्टेबल है आराम से बैठे। मैं अभी पद्मासन में बैठी हूँ, बायां हाथ चिन मुद्रा और ज्ञान मुद्रा, दाहिना हाथ नासिका मुद्रा एंड इनहेल थ्रू योर राइट, सॉरी इनहेल थ्रू योर लेफ्ट, क्लोज बोथ द नॉस्ट्रल, एक्सहेल थ्रू योर राइट, धीरे 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 धीरे, अगेन बहुत धीरे धीरे सांस लें,
दोनों नॉस्ट्रिल को क्लोज करें, एक्सहेल थ्रू योर लेफ्ट, धीरे 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 धीरे, इनहेल थ्रू योर लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू योर राइट, इनहेल थ्रू योर राइट, एक्सहेल थ्रू योर लेफ्ट, इनहेल थ्रू योर लेफ्ट, एंड एक्सहेल थ्रू योर राइट। बहुत धीरे धीरे सांस लेंगे, बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, बॉडी में किसी भी तरीके का जर्क या मूवमेंट नहीं देंगे, बहुत आराम आराम से। आप जितनी आराम आराम से सांस लेंगे उतना ही आपका मन शांत होगा। एक्सहेल थ्रू योर लेफ्ट एंड रिलैक्स, ड्रॉप योर हैंड, राइट हैंड को आप अपने राइट नी के ऊपर रख दें एंड रिलैक्स। फील दिस लाइटनेस, फील दिस लाइटनेस, फील दिस लाइटनेस, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इंस्टेंटली आपको एक तरीके की शांति महसूस होगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी नस नाड़ियों में हुई ब्लॉकेज को धीरे धीरे रिमूव करता है, ये बैलेंस स्थापित करता है आपकी इडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के बीच में, और प्राण का प्रवाह हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उससे प्रवाहित होने में मदद करता है। बट इट नीड्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। Rub your palms nicely, rub your palms nicely and place it on your eyes. आंखों को दबाना नहीं है, just we are transferring this energy to our eyes. आंखें relax हो जाएं, आंखों को बिना खोले हुए दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने रखें, ending prayer से session का अंत करेंगे। Om. अस्तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम् गमया। ओम शांति शांति शांति। रब योर पाम्स नाइसली, रब योर पाम्स नाइसली, और दोनों हाथों के बीच में गर्माहट महसूस कीजिए। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए, पूरे चेहरे पर अपने हाथ को इस तरीके से फेरिए, पूरे कंधों को टच कीजिए, अपनी छाती के ऊपर अपने हाथ को फेरिए, पेट के ऊपर अपने हाथ को फेरिए, अपनी बैक को टच कीजिए, अपनी हिप्स, आपकी थाइस, आपकी नीज, आपकी काफ मसल्स, आपके पैर के पंजों को सबको टच करते हुए आराम से दोनों हाथों को अपनी नीज के ऊपर रखें। टर्न योर हेड डाउन टुवर्ड्स मैट, ब्लिंक योर आईज, धीरे धीरे आंखों को झपके 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 और धीरे 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 सामने की तरफ देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही मिलते हैं।